2 अक्टूबर की शुरुआत हुई थी शाहरुख खान के बेटे की ड्रग पार्टी की सनसनीखेज खबर के साथ, लेकिन 24 घंटे में ही इस हाई प्रोफाइल छापे ने सियासी छापेमारी की शक्ल ले ली। सुराग छिपे थे इस छापे की पहली तस्वीर में ही, लेकिन शाहरुख के बेटे की धमक के आगे ये सुराग नजरअंदाज कर दिए गए। 3 अक्टूबर को ही ये सेल्फी सामने आई और इसी से सियासत वाले एंगल की शुरुआत हुई। सवाल उठने लगे कि शाहरुख के बेटे के साथ सेल्फी लेने वाला ये शख्स कौन है। कयास लगाने लगे कि एनसीबी का कोई अफसर होगा, लेकिन कयास और अटकलों के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अपने आरोपों से नई सनसनी फैला दी। हमने सवाल खड़ा किया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया है, 10 लोग डिटेन किए गए थे, 2 लोगों को श्री वानखेड़े ने छोड़ दिया कुछ घंटे अपने हिरासत में रखने के बाद। उन 2 लोगों में एक भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता, उनका वो साला है, उनका इन-लॉ है। इन लोगों को ले जाते समय मीडिया ने वीडियो में चीजें दिखाई है, और वापस आते समय इन लोगों के सारे प्रूफ हमारे पास हैं। नवाब मलिक के मुताबिक एनसीबी के छापे में 2 बाहरी लोग भी शामिल थे। ये दोनों लोग आर्यन और अरबाज को ले जाते हुए दिखाई दिए थे। इनमें से एक मनीष भानुशाली और दूसरा किरण गोसावी है। नवाब मलिक के मुताबिक मनीष भानुशाली बीजेपी कार्यकर्ता है, जबकि किरण गोसावी खुद को निजी जासूस बता रहा है। गोसावी पर खुद भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। दोनों का दावा है कि इन्हें क्रूज पर होने वाली ड्रग पार्टी की खबर मिली थी और छापे में इन्होंने एनसीबी की मदद की। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में एनसीबी के साथ 2 बाहरी लोग क्या कर रहे थे। एनसीबी का जवाब है कि उसने 9 लोगों को गवाह के तौर पर शामिल किया, ये दोनों भी उन्हीं में से एक हैं। भानुशाली की बीजेपी नेताओं के साथ कई तस्वीरें उसके अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट में है। भानुशाली और गोसावी दोनों के आपस में भी संबंध है। इसी विनाह पर नवाब मलिक ने 2 अक्टूबर को हुए ऑपरेशन को ही फर्जी करार दिया। ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन पर सवाल उठना बचाव की कार्रवाई का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन एनसीबी के पास भी इस बात का पुख्ता जवाब नहीं है कि जो काम उसके अफसर को करना चाहिए था वो बाहरी लोग क्यों कर रहे थे, वो भी एनसीबी की मौजूदगी में। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।